बनाएंगे दही के कबाब, जो कि झटपट इजी टू कुक रेसिपी है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। हमने लिया है 4 ml कट आफ्टर हैंग कट लाइक दिस, फिर वी यूज हैंग कट नॉट अ नॉर्मल कट, वी यूज हैंग कट। ओके, दिस इज अ प्रोसेस चीज, अमूल प्रोसेस चीज 50 grams, दिस इज गरम फ्लावर, ग्राम फ्लावर, ग्राम फ्लावर पाउडर, एंड दिस इज अ ग्रीन चिली फाइन चॉप्स, कोरिएंडर चॉप्स एंड कार्डमम पाउडर्स एंड ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला एंड किचन किंग्स एंड सॉल्ट, दैट्स इट। स्टार्ट टू मेक अ डो फॉर दही के कबाब। ओके, 50 grams चीज, स्मॉल स्पून्स, टी स्पून ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिली, 1 tablespoon कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर चॉप, 1 teaspoon इलायची पाउडर्स। ओके, टी स्पून किचन की, 1/2 teaspoon गरम मसाला, एंड 1/2 teaspoon सॉल्ट, एंड 1/2 teaspoon ब्लैक सॉल्ट, एंड वन टेबल स्पून गरम फ्लावर पाउडर, मिक्स वेल। Mix well and after taste the seasonings. Mix well and after keep inside in deep fridge for set the dough after we make kebabs. Okay guys, we start to make kebabs, save for kebabs, and take like this 1 spoons and make space. Is here like this, and fill cheese and chili, because this is a cheesy dahi ke kabab, so we filling cheese and chili inside. Okay, and again like this, yes, and dust on the flour. Make a shape. Like this. Okay, let's start make a kebabs. Hot the pan. Take a non-stick pan, hot the pan. And this kebab make with very less oil, not a more oil. It's like only make a like a star cello fry. So don't use the more oil, just like a little bit oil for sizings and colors. Okay, just do. Kebabs. Okay.
स्टिक कबाब्स एंड जस्ट वन फ्लावर वंस अगेन कुड नीड अ क्रिस्पी कबाब्स आउटसाइड इनसाइड द माउथ मेल्टिंग फ्लेवर्स यस टेक लाइक दैट जस्ट मेक अ स्लो फ्लेम हमें धीमी आंच पे पकाना है इसको और जस्ट कलर देना है तो कीप फॉर कलर इट्स लाइक मूविंग विथ लाइक ऑफ साइड्स ओके क्या हमने इसको एक तरफ डन कर दिया है और दूसरी तरफ पलट दिया है डन करने के लिए मेक विथ स्लो फ्लेम हमें ज़्यादा हीट पे नहीं पकाना है इसको हमें अच्छे से क्रंची करना है इसको और अच्छे से कुक करना है वन साइड कुक हो चुका है चीजी नहीं के कबाब इज अ वेरी माउथ मेल्टिंग फ्लेवर्स एंड वेरी वेरी डिलीशियस डिश यू कैन ट्राई एट होम एनी टाइम नो नीड मोर इंग्रीडियंट्स मोर टाइम्स इज अ झटपट झटपट इजी टू मेक रेसिपीज ओके माय कबाब इज डन डन फॉर सॉल्ट Serve like this. Okay, kebab is done. Serve with green chutney. This is a cheesy dahi ke kebab. It's very mild, melting flavors.